मेरा नाम यूड है। ये घटना तब की है जब मैं छोटा था, अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग पर जाया करता था। हम कैंपिंग पर बहुत मजे करते थे। हम आग के चारों तरफ सर्कल में बैठते थे। हम सब साथ में गाना गाते थे, एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। हमारी रात की कहानियां अक्सर डरावनी और भूतिया ही होती थी, जिनमें सबसे ज्यादा अच्छी मेरे दादाजी की कहानियां होती थी, क्योंकि उनकी कहानियों का डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा होता था कि लगता था जैसे वाकई में हमारे आसपास ही हो रही हैं। लेकिन एक बार जब मैं 10 साल का था, तब उनकी कहानियों से ऐसा कुछ हुआ जो मुझे आज तक याद है। एक दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेरे दादाजी को एक साथ कैंपिंग पर भेजा। हम अक्सर साथ में जाया करते थे। हम कैंप साइट पर लगभग शाम के 6 बजे पहुंच गए थे, लेकिन इस बार किसी अलग कैंप साइट पर आए थे। ये वो कैंप साइट नहीं था जहां हम अक्सर आया जाया करते थे। ये कैंप साइट बहुत ही अजीब और डरावनी थी, और यहां की जमीन भी काई की वजह से हरी हो चुकी थी। हमने अपने टेंट को सेट किया। खाना खाने के बाद हम आग के सामने बैठे हुए थे। हमारी रात की कहानियां अक्सर डरावनी और भूतिया ही होती थी, जिनमें सबसे ज्यादा अच्छी मेरे दादाजी की कहानियां होती थी। मेरे दादाजी मुझे कहानियां सुना रहे थे। मुझे दादाजी की सारी कहानियां पता थी, सिवाय उस कहानी के जो आज दादाजी मुझे सुनाने वाले थे। ये कहानी मेरे दादाजी की थी। मेरे दादाजी ने मुझे बताया ये कहानी इसी कैंप साइट की है जहां इस वक्त हम बैठे हुए थे। उस रात दादाजी अपने पापा के साथ इसी कैंप साइट पर कैंपिंग करने आए थे। उसी रात दादाजी अपने पापा के साथ नदी किनारे फिशिंग कर रहे थे। ये बात 1960 की है। दादाजी ने बताया कि ये कैंप साइट 1930 में बनी थी और यहां युद्ध में बहुत से सिपाही मारे गए थे। दादाजी ने अपनी बात कहनी शुरू की। ये बात 1960 की है। उस वक्त मेरे दादाजी बच्चे थे। उस रात दादाजी अपने पापा के साथ इसी कैंप साइट पर कैंपिंग करने आए थे। उसी रात दादाजी अपने पापा के साथ नदी किनारे फिशिंग कर रहे थे। वो लोग हाइकिंग से लौटे थे और अब फिशिंग करके अपने टेंट में लौटने वाले थे। फिशिंग करने के बाद मेरे दादाजी जब अपने टेंट में लौट रहे थे, तब उन्हें कुछ आहट सुनाई दी और उन्होंने पीछे पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। दादाजी ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और वो तेज कदमों से चलने लगे, क्योंकि ये जंगली एरिया है, इसलिए चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। सभी पेड़ रात के अंधेरे में बहुत भयानक लग रहे थे। सभी पेड़ों से आवाजें आती हुई सी महसूस हो रही थी। दादाजी के पापा ने दादाजी से कहा, अभी रात का वक्त है और ये जंगल है, हो सकता है भेड़ियों की आवाज हो। लेकिन दादाजी जानते थे कि ये भेड़ियों की आवाज नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो भेड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक है। उस रात दादाजी अपने टेंट में लौट आए। उसके बाद उस रात उन्होंने ना कुछ देखा ना कुछ महसूस किया। दादाजी ने बताया ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि हो सकता है उस वक्त दादाजी सिर्फ किसी आवाज से डर गए हों, इसलिए मैं इस कहानी से बिल्कुल ना डरूं। 2 दिन बाद मैं और दादाजी लंबे हाइकिंग के बाद अपने टेंट में लौट रहे थे। हम रास्ते से बेर तोड़ते हुए चल रहे थे। हमने बहुत सारी बेर इकट्ठा की। हमें अगले दिन घर लौटना था। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने वाला था। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे पेड़ के पीछे कोई हमें घूर रहा है। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। चारों तरफ अंधेरा हो गया था। तभी मुझे वहां कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मुझे लगा जैसे दो जलती हुई आंखें पीछे से मुझे घूर रही हो, और मैं और दादाजी करीबन 5 मिनट तक वहीं खड़े रहे। मैंने अपने दादाजी की तरफ देखा। मैंने देखा उस वक्त दादाजी की आंखों में भी डर था। मैं भी बहुत डरा हुआ था। शायद दादाजी ने भी वही महसूस किया जो मुझे महसूस हुआ। हम दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे थे और जल्द से जल्द अपने टेंट में पहुंचना चाहते थे। करीबन 20 मिनट बाद पूरी तरह से रात हो गई थी। मैंने अपनी बेरी को बास्केट में जोर से पकड़ा और लगभग भागने ही लगा, तभी मैंने चीखने की आवाज सुनी। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। मेरे दादाजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, भागो।
कुछ देर बाद हमने वो आवाज फिर से सुनी और इस बार वो आवाज पहले से भी ज्यादा तेज थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई किसी का मर्डर कर रहा हो और मरने वाला दर्द से चीख रहा हो। वो आवाज बिल्कुल मेरे पीछे से आ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चारों तरफ आग लगी हो। उस वक्त दादाजी की आंखों में भी डर था। शायद दादाजी ने भी वही महसूस किया जो मुझे महसूस हुआ। मैं डर के मारे बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देख पा रहा था। तभी अचानक मेरे दादाजी जोर से चीखे और बोले, भागो, जल्दी भागो यहां से। मैं जल्दी से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। मैं बहुत तेज भाग रहा था। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा साया बढ़ा चला आ रहा था जो लंबाई में किसी पेड़ की तरह था। मैं बहुत तेज भागने लगा। मेरे दादाजी मेरे पीछे भाग रहे थे। मेरे दादाजी पीछे थे क्योंकि वो बुजुर्ग थे और वो मेरे जितना तेज नहीं दौड़ सकते थे। लेकिन मैं डर गया था कि बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था। मैं बहुत थक गया था और आखिर में पहुंच गए। सारी रात हम सो नहीं पाए। मैं बस यही सोच रहा था कि वो आवाज आखिर थी क्या। उसके बाद हम घर लौट आए। उसके बाद हम कभी भी उस साइट पर लौट के दोबारा नहीं गए। वो एक्सपीरियंस मुझे अभी भी डरा देता।